बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ जहां हो खुश हो। मैं हूं लाइबा। आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम, जो बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसको किचन में मौजूद दो चीज़ों से बड़ी इजीली बना सकते हैं। तो चले आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है फ्रेश क्रीम ली है। फ्रेश क्रीम मैंने ली है 500 ml। इसको हम जग में ऐड करते हैं। इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे, जब तक ये सॉफ्ट पीक पे ना आ जाए तब तक हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। साथ साथ हम इसको चेक करते जाएंगे। चले बनाना शुरू करते हैं। हमारी क्रीम रेडी हो गई है, ये देखें। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं इलायची पाउडर और कंडेंस मिल्क ऐड करते हैं। ये भी मैंने घर में तैयार किया है, तैयार करना बहुत इजी है। एक चम्मच ऐड करते हैं वनीला। कंडेंस मिल्क मैंने लिया 300 ml। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। हमारी आइसक्रीम अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अब हम इसको एयर टाइट, कोई सा भी आप बॉक्स ले लें, एयर टाइट होना चाहिए, इसके अंदर ऐड करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम 8 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और हम इसको अब ये देखें, माशाल्लाह कितने अच्छे बनी है। और अब हम मिलते हैं 7 से 8 घंटे बाद। वनीला आइसक्रीम को फ्रिज में रखे हुए 8 घंटे हो गए, अब हम इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनी हुई है, छूने से पता चल रहा है। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। जिन ब्रदर और सिस्टर ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका थैंक्स। तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, वो इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं।
आप भी घर में बनाएं, इंजॉय करें। बनाने में भी बहुत इजी है, ठीक है, बहुत घर की मौजूद चीज़ों से बन जाती है, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी। आप भी बनाएं, इंजॉय करें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।